बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने कहा कि मेरी जान को हो सकता है खतरा। आखिर क्या वजह है जो कि जिला कलेक्टर विधायक राजेश प्रजापति से नहीं मिले। छतरपुर कलेक्टर पर भी आरोप लगाए हैं कि मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साजिश की जा रही है। छतरपुर कलेक्टर को जिले से नहीं हटाया तो विधानसभा में हंगामा भी किया जाएगा। जिले के सत्ताधारी भाजपा सरकार के चन्ना विधायक राजेश प्रजापति ने एक बार फिर से कलेक्टर शीतलेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे जान का खतरा बना हुआ है। साथ ही प्रजापति बीती शाम कलेक्टर से जन समस्या को लेकर मिलना चाहता, लेकिन कलेक्टर छतरपुर के द्वारा मिलने का समय देने के बाद भी उनसे कलेक्टर नहीं मिल सके, जिसके कारण प्रजापति को भी कलेक्टर के बंगले के बाहर धरने पर बैठना पड़ा था। और बाद में 3 घंटे के बाद कलेक्टर बंगले से बाहर आए और उनका जो तरीका बात करने का था वह गलत था, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं कलेक्टर मुझे झूठे मामले में फंसा न दे। विधायक राजेश प्रजापति ने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि कलेक्टर किसी को भी सुपारी देकर मुझे जान से मरवा भी सकते हैं। बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर विधानसभा अवमानना समिति ले जाकर कलेक्टर की शिकायत करने की बात भी कही है। साथ ही छतरपुर कलेक्टर को अपने ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से हटाने की मांग भी की है। कई प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे परेशान होकर के कंपलसरी रिटायरमेंट एडीएम साहब ने ले लिया था। कई लोग अधिकारी कर्मचारी परेशान रहते हैं। कल मैं मिलने गया था उनसे, 4 बजे करीब उनके कार्यालय में पहुंचा, वहां पे वो नहीं थे तो मैं इंतज़ार करता रहा 5 बजे तक। 5 बजे जैसे ही आए तो सीएम साहब की वीसी थी, तो मैंने कहा साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो बोले कि आप बोले तुम बैठो और मैं आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, उनने एक सेकंड भी नहीं रुके, ना आप चपरासी को कहा कि आप जा कर के विधायक जी को बैठाओ, अंदर बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। तो हम यहाँ वहाँ घूमते रह गए, अपने घूमते हुए फिर जैसे ही ये निकले बाहर वैसे ही गाड़ी में बैठ कर के घर निकल गए। उनने मैंने 4-5 बार फ़ोन लगाया, मैंने सोचा कि शायद भूल गए होंगे कि विधायक को बैठा के गए हैं। तो मैंने फ़ोन लगाया, एक बयान भी आपने दिया था कि कलेक्टर से मुझको खतरा, किस तरीके का खतरा है? अब वो जिला की मुखिया है, किस तरीके का नुकसान कर सकते हैं, आपने जो भी कहा था, किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप प्रत्यारोप या फिर पुलिस से कार्रवाई करवा सकते हैं। अब है तो अपने पास कोई ऐसा नहीं, मैं भी कानून पढ़ा हुआ हूँ, कानून का स्टूडेंट रहा हूँ, कानून जानता हूँ, लेकिन फिर भी अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी है और अफसरशाही हावी होने के कारण उनका आप जानते भी हैं, होशंगाबाद में उनने क्या किया था, SDM के बंदूक लगवा करके चले गए थे और जाकर वो डंपर छुड़वाया उनने, तो किसी प्रकार का भी वो करवा सकते हैं। मेरी जैसे डंपर चलते हैं, गिट्टी में जाते हैं, वो रेत भरवा सकते हैं और जाकर के मुकदमा करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। जान का भी खतरा है आपको कलेक्टर साहब से? बिल्कुल, आप जब कुछ भी करवा सकते हैं, वो किसी को भी सुपारी दे करके मरवा भी सकते हैं।